What is Thomas Young Double Slit Experiment? Thomas Young Double Slit Experiment क्या है? दरअसल 1600 में सर आइज़क न्यूटन ने अपनी बुक ऑप्टिक्स में बताया था कि लाइट एक पार्टिकल है या एक तरह से कॉर्पसल्स की तरह बिहेव करती है। लेकिन उसी दौरान डच फिजिसिस्ट हाइजन ने हमें बताया कि लाइट एक वेव है। परंतु सबसे मजेदार और अद्भुत एक्सपेरिमेंट जो कि साइंस की हिस्ट्री में हुआ वो था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, इस अद्भुत एक्सपेरिमेंट ने मानो कॉमन सेंस को हिला कर रख दिया हो। दरअसल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी शुरुआत है, जिसने हमें अपने ब्रह्मांड को समझने में एक कदम और आगे किया। तो चलिए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यंग ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को लिया। दरअसल मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ एक तरह की होती है, या फिर आसान सी भाषा में कहे तो कोई भी एक रंग की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का एक सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक इस सिंगल स्लिट से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारा और फिर वो लाइट इन टू स्लिट से पास होकर स्क्रीन पर एक पैटर्न बनाती है, और ये पैटर्न कुछ इस तरह का है जिसमें कुछ डार्क फ्रिंजेस हैं और कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। जो यहाँ पर डार्क ब्लैक में है उसे हम डार्क फ्रिंजेस कहते हैं, और जो थोड़ी लाइट कलर की है हम उसे ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। दरअसल जब लाइट इन टू स्लिट से पास हो रही होती है तो वो लाइट वेव्स मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं, उनकी वजह से ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। दरअसल जब दो वेव्स एक फेज की होती हैं और जब वो आपस में सुपरइम्पोज होती हैं तो वो एक बिगर वेव बनाती हैं, तो हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिसकी वजह से ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। और जब वो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं या सेम फेज की नहीं होती हैं, और जब वो वेव्स आपस में सुपरइम्पोज होती हैं तो वो वेव्स स्मॉलर बनती हैं, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिसकी वजह से डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट दर्शा रहा है कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि ऐसा पैटर्न केवल तब ही देखने को मिलता है जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं। तो सोचिए कि अगर हम लाइट की जगह अगर किसी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाएं तो क्या होगा? क्या ये पार्टिकल्स तब भी हमें ऐसे ही नेचर शो करेंगी, या हमें ये ऐसे ही पैटर्न्स दिखाएंगी, या ये क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सोचिए इसके बारे में, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में और आपको कुछ रोमांचित और चकित करेंगे इस अद्भुत एक्सपेरिमेंट से। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए।